पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दो औकात में रहे। मीर और उषा इकबाल नॉमिनेटिंग फॉर द प्रेस्टीजियस पोस्ट ऑफ हेड गर्ल। लुक, नो वन इज परफेक्ट, नाइदर यू नॉर आई, बट योर बिलीफ कैन मेक इट परफेक्ट, योर कॉपरेशन कैन मेक द थिंग्स टू गो वेल। सो आई बिलीव दैट वोट फॉर मी इज वोट फॉर यू। The role of a head girl is not an easy job. I believe that the head girl must be patient, must be enthusiastic, must be a daredevil, we can say, and must be a bridge between the authorities and the students. बस जाए फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। मैं आप सब दोस्तों से वादा करता हूँ कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो अच्छा ही फैसला होगा इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए, और उस फैसले से हमारी स्कूल का भी नाम रोशन होगा इंशाल्लाह। और स्कूल में जिन जिन चीजों की कमी है उन चीजों के लिए मैं बात आगे तक पहुंचाऊंगा। मैं नहीं बोलता हूं कि मुझे वोट दो, अगर आप मुझे इस काबिल समझ रहे हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसे करने के लिए तो आप मुझे वोट दो, वरना मैं आपको यही नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वोट दो, अगर मैं काबिल हूँ इसके लिए तो आप मुझे वोट दो। और आप फिर देखोगे जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत सी चेंजेस हेयर सेकेंडरी में लाऊंगा जिससे आप भी खुश रहोगे और उसका भी खुश रहेगी। बाकी असल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना वोट मुझे दे, क्योंकि हम इस हेयर सेकेंडरी में डिस्कूलों का मुजाहरा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो नए आए हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं नए स्टूडेंट को वोट करूं तो क्या पता ये शायद नाराज होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, खाली ये करना है कि जिसमें टैलेंट है क्या पता मतलब मेरे से ज्यादा टैलेंट उन बाकी पार्टिसिपेंट्स में होगा, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप उसको वोट कीजिएगा जो जेन्युइन होगा। रही बात मेरी काम की, आपके लिए आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड होगी वो मैं फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। मैं टीचर से बोलूंगा इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है मतलब डिमांड पूरी होगी जो जेन्युइन होगी। थैंक यू। टू रिप्रेजेंटेटिव्स बैगेस यम टू बाय जॉइस जेन्युइन डिमांड साइड जॉइस जेन्युइन डिमांड तुम वास आए यम यस स्कूल की कंसर्शन डबल को एक्सप्लाइस की जरूरत है। आई ट्रस्ट ऑन दीज कैंडिडेट एंड यू ऑल सेट अप आप विंग के साथ गिव अस अ कांसेप्ट ऑफ हाउ टू वोट एंड व्हाई टू वोट इस कैंड का और वोट तो किस को इतना वो हुआ ये कि विंग के साथ जितने शा कैंडिडेट जिमो शर्म या कैंडिडेट हो जुटे सामने इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आसन की मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वो आपने सुबह मॉर्निंग असेंबली में अच्छे से सुना। यहाँ पे हमने छह के छह को रखा है इस तरह भाषण छो सोस यू सब लायक छो कत मुतल इस हा जाए जिस हा ट्रस्ट करो देन यू कैन वोट इन फेवर ऑफ द सेम कैंडिडेट बाय मार्किंग ए टिक ऑन दिस बैलेट पेपर। यू कैन सिंपली मार्क ए टिक ऑन दिस बैलेट पेपर अच्छा क्रॉस टू साइडस या डबस करू तुम टिक अख टिक करें। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ज़ैनपुरा जनाब फारुक अहमद शाह साहब इलेक्शन मुहिम का इनेकाद करने जा रहे हैं। पोलिंग ऑफिसर के पास पहुंचे हमारे पोलिंग ऑफिसर शबीर अहमद मीर पीएम और मोहम्मद अशरफ वानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की सरबराही में अपनी एंट्री करा के पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे। यहां से बैलेट पेपर हाथ में लिए हुए सीधे बढ़ रहे हैं पोलिंग बूथ की ओर और बड़े ही ध्यान और आराम के साथ अपना डेमो वोट मार्क करा रहे हैं ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाए कि सारी प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ से बैलेट पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल जनाब परवेज़ अहमद कुमार साहब ने अपनी एंट्री कराई और एंट्री कराने के बाद बैलेट पेपर हाथ में लिए हुए पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं और अपना डेमो वोट मार्क करा रहे हैं। डेमो वोट मार्क करा के अब बैलेट पेपर को फोल्ड करते हुए बैलेट बॉक्स में डालने जा रहे हैं और वोटिंग के बाद
अपनी उंगली पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगवा रहे हैं। तो इसी तरह से रिफत मैम गर्ल्स वाली पोलिंग बूथ पे अपना डेमो वोट डाल के उंगली पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगवा रही है। As you see, huge queues of both boys and girls at Government Higher Secondary School, Zainapora. All the students are overwhelmed and are eagerly waiting for their turn to cast their votes to their favorable candidate, which will represent them at the institution and will act as a bridge between the school administration and the students. The arrangement has been done so nicely that looking from a distance, it seems that either assembly or parliament election is going on. The polling staff that has been deployed, they are marking the identity of the students, and the students are heading towards the polling booth to cast their votes. This is the ballot box. Few votes have been cast. This is polling staff checking the identity of voters. Presiding officer Mr. Mohammad Ashraf Kumar, assistant returning officer Mohammad Ashraf Wani, Farooq Ahmed Shah, lecturer in mathematics, observing all the arrangements minutely. Arrangements are just perfect. जी सर, आपका नाम? फिरदौस अहमद। फिरदौस अहमद, तो सर ये जो इतनी चहल पहल यहाँ पे हो रही है, ये किस चीज के लिए हो रही है सर? एक्चुअली सर, ये सिलसिले में विधायक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना, एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल, उसके लिए हमने डेमोक्रेटिक हिसाब से एक इलेक्शन करवाया है ताकि बच्चों को ये पता चले कि वोटिंग की कैसे की जाती है और एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। सेटअप के साथ कराना चाहते हैं तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का? जी सर, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा। उनको पता चलेगा कि वोटिंग की क्या अहमियत होती है, वोट से क्या होता है, कैसे वो अपने मसाइल हल करा सकती है ग्रास रूट लेवल से, जो स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के दरमियान में जो गैप होती है उसको कैसे वो फिल कर सकती है, कैसे वो अपनी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकती है। अब हम बात करेंगे एक स्टूडेंट से जिसका नाम मीर अरुषा इकबाल है, जो कि इलेक्शन लड़ रही है हेड गर्ल के लिए। जी अरुषा, आप बताइए कि क्या सोच के आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया? सर, मैंने ये सोच के हिस्सा लिया कि मुझे लगा कि मैंने अपने कैपेबिलिटीज को विजुलाइज किया, मुझे लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं हेड गर्ल के प्रेस्टीजियस पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर सकती हूँ। तो यही सोच के मैंने इसमें हिस्सा लिया। मुझे लगा कि मैं जो अपने स्कूल के बच्चों के मसाइल उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकती हूँ, उनको हल करने की कैपेबिलिटी ताकत रखती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना जो नाम है वो इसमें दर्ज किया। चलिए ठीक है, मुझे बताइए ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है इट इज अप टू मार्क? यस सर, यस सर, इट्स अप टू मार्क, क्योंकि यहाँ पे इनको मतलब ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनके नाम अलग से दिए गए हैं और अरेंजमेंट भी अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट से जिसका नाम है नासिर आशिक, जो कि 12th क्लास का स्टूडेंट है। तो मुझमें इतनी सर कैपेबिलिटी है कि मैं इस स्कूल के एनवायरमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड के लिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ और उन बात करेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे। तो बात करते हैं वोटर से। जी बताइए अपना नाम। सुजैना मुख्तार। आपने अपना वोट डाला? यस सर। तो कैसा लगा आपको वोट डाल के? सर, वोट डाल के हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम अपनी इंस्टीट्यूशन को भी डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट डाला। अच्छा, जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला, क्या आपको लगता है कि आपकी जो भी डिमांड्स होंगी वो उनको सॉल्व कर पाएगी? यस सर। बात करते हैं नेक्स्ट वोटर से। जी आपका नाम? मेरा नाम सीरा शौकत है। आपने वोट डाला? तो कैसा फील हुआ आपको वोट डाल के? सर, ये मेरा पहला वोट था, अभी मैं वोटर लिस्ट में नहीं आती हूँ, लेकिन आज मैंने फर्स्ट वोट किया। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्शन किया हेड बॉय और हेड गर्ल का। मैंने भी अपना मनपसंद कैंडिडेट को वोट किया। तो चलिए ठीक है, आप फ्यूचर वोटर बनने जा रहे हो तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस थी, तो क्या आपको ये हेल्प कर पाएगी आगे जाके? यस सर, बहुत ज्यादा। यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल मैनेजमेंट था जैसे वहाँ पे होता है। मेरा नाम सीरत मंजूर।
सीरत मंजूर, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। मैनेजमेंट कैसा लगा आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरफ से? सर, जैसा हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल वैसा मैनेजमेंट लगा। बात करते हैं सीनियर फैकल्टी मेंबर मिस्टर नजीर अहमद शेख जो कि लेक्चरर बॉटनी है यहाँ पे, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो रही है किस चीज़ की हो रही है और इसका मुद्दा व मकसद क्या है। जी नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये इलेक्शन तारीख क्या शो, अमिक मराहिल क्या शो, टाइम से ये बचन तारी फिक्र। इलेक्शन डेमोक्रेटिक सेटअप दिवन कंट्री मज इंस्टिट्यूशन मज इंस्टिट्यूशन तथा पट इत पट इलेक्शन गसन पट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करन यम तम फॉलो नॉर्मल्स करन तिमे सेटअप तथ सेटअपस पे बराबर बनवित अस मज कैंडिडेटन हिंद लिस्ट त बराबर तथा पट पत तिंद बैलट पेपर आमित बना पमुत पोलिंग स्टाफ कर एस आई एन तथ माजब प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग ऑफिसर्स अमिक ऑब्जर्वर तमित थाने सुपरवाइजर्स आमित थाने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इस पर यु इंस्टिट्यूशनल इलेक्शन ऑफिसर पत तम सबॉर्डिनेट्स बिल्कुल बचन ये बाबत पट गई रिहर्सल करना स्टूडेंट्स दोनवनी आए मेल त फीमेल तथ मज रिप्रेजेंटेशन दिन तो वोटरन बाबत हक तम कस चुन सह गन अमल चालू लगभग हेतन वन इफ्तम गम पत काउंटिंग गोड ग मतलब अत सील्ड बाबत पट पन रोल ऑब्जर्वरन तहत गील पत स्ट्रांग रूमस मत काउंटिंग तन स्पाट रिजल्ट तूटी डिक्लेयर मसल हल कि इंस्टिट्यूटिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट। सिंस द वोटिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड इट्स टाइम टू काउंट द वोट्स। The concerned polling staff under the supervision of observers are busy in counting of votes. The votes have been counted and the result is being signed by the principal sir and will be announced shortly. Actually, 6 students participated in the election and our 2 students, namely Nasir Ashik and Mir Arusha Iqbal, they came up with flying colors. So the head boy of the year is Mr. Nasir Ashik and head girl of the year is Mir Arusha Iqbal. Mr. Nasir Ashik selected head boy is having victory walk with Bilal Sheikh. Bear in mind ki inko aap tang nahi karenge, fazool mein inko aap tang nahi karenge, unnecessary inko aap disturb nahi karenge, क्योंकि इनको भी पढ़ना है, इनको भी अपने एकेडमिक साइड का ख्याल रखना है। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबकी वजह से कामयाब हुआ। आप सभी को मतलब मेरी तरफ से एक पैगाम है कि आप कोऑपरेट कीजिए और आपको जो भी मसला होगा वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मतलब जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक मतलब मैं पहुँचा सकता हूँ, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं उस बात को आगे पहुंचाऊंगा हमारे प्रिंसिपल। लास्ट पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इन वर्ड्स से, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, व्हाटएवर यू डू मेक श्योर यू आर मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।